In the vast expanse of space, India is preparing for a historic journey. Welcome to the story of Gaganyaan, India's first manned mission to space. साइकिल में रॉकेट्स के पार्ट्स ले जाने से चांद के साउथ पोल में पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने तक का सफर एक रोमांचक सफर रहा है भारत के लिए, और यहाँ से ही और बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के साथ इसरो हमारे देश का नाम रोशन करेगा। आदित्य L1 के सक्सेस के बाद अभी पहली बार इसरो एक मैन मिशन को अंजाम देने वाला है। दोस्तों, गगनयान अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन भारत के नाम करेगा। इसके तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा 3 दिन के लिए, फिर इन्हें वापस सेफली अर्थ में स्प्लैश डाउन कराया जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने इस मिशन के 4 एस्ट्रोनॉट्स को सम्मानित किया, और ये है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन्होंने अपनी स्पेस ट्रेनिंग रशिया में कंप्लीट की है और ये इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने स्पेस में कदम रखा था, लेकिन वो एक रशियन स्पेसक्राफ्ट था। लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। पहली बार ऐसे मिशन को अंजाम देने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, सभी चीजों को स्क्रैच से डेवलप करना पड़ा एंड सभी टेस्ट सक्सेसफुल रहे। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद इसरो के चीफ एस सोमानाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस मिशन के लिए जो एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, ये किसी भी कंट्री ने भारत को देने से मना कर दिया। वैसे तो मेनली यहाँ पर हम USA एंड रशिया से इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को हमें प्रोवाइड करने से मना कर दिया। ये क्रूशियल कॉम्पोनेंट है जो क्रू कैप्सूल के अंदर लाइफ सस्टेन करने के लिए कारगर है। ये सिस्टम हमें ना मिलने के बाद इसरो चीफ एस सोमानाथ ने बताया था कि इसरो इंडिपेंडेंटली इस सिस्टम को बनाएगा और फिर 2025 में इस मिशन का लॉन्च प्लान्ड है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने भी प्रोजेक्ट मर्क्यूरी के तहत 1958 में सेम मिशन को परफॉर्म किया था, जिसकी लागत करीब 18,000 करोड़ आई थी, वो भी करंट इन्फ्लेशन को ऐड ना करके। गगनयान मिशन में अराउंड 10,000 करोड़ खर्च होंगे, लेकिन ये एक स्मॉल प्राइस है टवर्ड्स ह्यूज माइलस्टोन्स। इस मिशन से जो एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, इससे फ्यूचर में स्पेस स्टेशन बिल्ड करते समय एंड मून एंड मार्स मिशंस में भी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, भारत 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन बिल्ड करना चाहता है आउटर स्पेस में, और अगर भारत का ये मिशन सफल रहता है तो रशिया एंड चाइना के बाद ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाली फोर्थ कंट्री हम बन जाएंगे। और जैसा कि हमने कहा कि इसरो ने सितंबर में इसके क्रू एस्केप सिस्टम कैपेबिलिटी को टेस्ट कर लिया था, और ये एक सफल परीक्षण रहा। क्रू एस्केप सिस्टम एक नेसेसरी एलिमेंट है, क्योंकि अगर लिफ्ट ऑफ के बाद कोई गड़बड़ी होती है तो क्रू आसानी से सेफली रॉकेट से डिटैच हो सकते हैं। ह्यूमन सेफ्टी को इस मिशन में पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दिया गया है, और ये इंश्योर करने के लिए सभी प्रकार के ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम्स को डेवलप किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट टेस्ट के लिए इसी साल एक ह्यूमनॉइड रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा, और उसके सक्सेस के बाद एक्चुअल मैन्ड मिशन 2025 में होगा। और जिन 4 एस्ट्रोनॉट्स की हमने अभी बात करी, इनमें से एक नासा के मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे एंड बाकी के 3 एस्ट्रोनॉट्स गगनयान मिशन का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक समय था जब भारत के पास कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं था और ना ही कोई स्पेस पोर्ट, लेकिन आज के समय भारत के पास अपना स्पेस पोर्ट भी है और पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल्स भी। गगनयान मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल किया जाएगा, सेम लॉन्च व्हीकल है जिसे चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, स्पेस सेक्टर में हमारे इसरो ने खूब तरक्की की, लेकिन ये स्पेस प्रोग्राम अभी तक केवल सिविलियन पर्पसेस के लिए ही ऑप्टिमाइज था। हालांकि चाइना के बढ़ते हुए थ्रेट की वजह से हम इस अप्रोच में थोड़ा शिफ्ट देख रहे हैं। 2019 में भारत ने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की मदद से 300 किलोमीटर हाइट पर एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करके दिखाया था। हालांकि ये मिसाइल 1200 किलोमीटर के ऊंचे टारगेट्स को भी न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है, लेकिन डिब्रीज को मिनिमाइज रखने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में ये टेस्ट किया गया। और थ्रेट सिचुएशन को देखते हुए इसरो का प्लान है कि ये अगले 5 सालों में करीब 50 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए होंगे। इन सैटेलाइट्स की मदद से ट्रूप मूवमेंट्स एंड हजारों किलोमीटर के एरिया पर निगरानी रखी जा सकेगी, एंड ये सभी डेवलपमेंट्स बेहद जरूरी हैं। इस समय स्पेस मिलिटराइजेशन भारत के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस सेक्टर में हम जरूर शाइन करेंगे। गगनयान मिशन हमारा नेक्स्ट सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और इसे भारत जरूर सफलतापूर्वक पूरा करके दिखाएगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे विषय को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट्स जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।